भारत की मजबूत अर्थव्यवस्था को आज पूरी दुनिया सराह रही है, पूरी दुनिया उससे प्रभावित है। और जब विश्व संकट से गुजर रहा है तब तो उनको और ज्यादा अच्छा लगता है। G20 समिट के अंदर सारे देश ने देखा है कि पूरा विश्व भारत के लिए क्या सोचता है, क्या कहता है, क्या आशा करता है। और इन सारे 10 साल के कार्यकाल के अनुभव के आधार पर आज की मजबूत अर्थव्यवस्था को देखते हुए जिस तेज गति से भारत विकास कर रहा है उसकी बारीकियों को जानते हुए मैं विश्वास से कहता हूं, और इसलिए मैंने कहा है कि हमारे तीसरे टर्म में भारत दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनेगा। और ये मोदी की गारंटी है। माननीय अध्यक्ष जी, इनको पहले मौका नहीं दिया था क्या? सबको मौका दिया है ना। हाँ, आदरणीय अध्यक्ष जी, जब हम दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक शक्ति बनकर के उभरेंगे कहते हैं तो हमारे विपक्ष में बैठे कुछ साथी कैसा कुतर्क देते हैं, कैसा कुतर्क देते हैं। वो कहते हैं इसमें क्या है, ये तो अपने आप हो जाएगा। क्या कमाल है आप लोगों की। मोदी का क्या है, ये तो अपने आप हो जाएगी। मैं जरा सरकार की भूमिका क्या होती है इस सदन के माध्यम से देश को और विशेष करके देश के युवा को बताना चाहता हूं कि होता कैसे है और सरकार की भूमिका क्या होती है। आदरणीय अध्यक्ष जी, 10 साल पहले 2014 में फरवरी महीने में जो इंटरिम बजट आया था उस समय कौन लोग बैठे थे आपको तो मालूम ही है, देश को भी मालूम है। जो 10 साल पहले इंटरिम बजट आया था उसे पेश करते समय उस समय के वित्त मंत्री ने जो कहा था मैं उसको कोट कर रहा हूं, और एक एक शब्द बड़ा मूल्यवान है जी। जब आप लोग कहते हैं ना ये तो अपने आप तीसरे नंबर पर जा ही जाएगा, ऐसा कहते हैं, उनको जरा समझना चाहिए। ये उन्होंने क्या कहा था, आई नाउ विश टू लुक फॉरवर्ड एंड आउटलाइन ए विजन फॉर द फ्यूचर, विजन फॉर द फ्यूचर। पूरे ब्रह्मांड के सबसे बड़े अर्थशास्त्री बोल रहे थे। आई नाउ विश टू लुक फॉरवर्ड एंड आउटलाइन ए विजन फॉर द फ्यूचर। आगे कहते हैं, आई वंडर हाउ मैनी हैव नोटेड द फैक्ट दैट इंडियाज इकोनॉमी इन टर्म्स ऑफ द साइज ऑफ इट्स GDP इज द 11th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। यानी 2014 में 11 नंबर पहुंचने पर क्या गौरवगान होता था, आज 5 पर पहुंच गए और आपको क्या हो गया, क्या हो गया। आदरणीय अध्यक्ष जी, आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आगे पढ़ रहा हूं। गोगोई जी, थैंक यू, आपने अच्छा कहा।
मैं आगे पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनिए साथियों, ध्यान से सुनिए। उन्होंने कहा था इज द 11th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, बड़ा गौरव का बात था। देर आर ग्रेट थिंग्स इन द स्टोर, आगे वो कह रहे हैं ग्यारह, देर आर ग्रेट थिंग्स इन स्टोर। फिर आगे कहते हैं देर इज ए वेल आर्ग्यूड व्यू दैट इन द नेक्स्ट थ्री डेकेड्स, इन द नेक्स्ट थ्री डेकेड्स इंडिया नॉमिनल जीडीपी विल टेक द कंट्री टू द थर्ड रैंक आफ्टर द यूएस एंड चाइना। उस समय ये ब्रह्मांड के बड़े अर्थशास्त्री कह रहे थे कि तीसरे नंबर पर 30 साल में हम पहुंच जाएंगे। 30 साल, और फिर कहा था ये मेरा विजन जो मैं मनमोहन सिंह नहीं थे उस वक्त, मनमोहन सिंह नहीं थे, बहुत लोग हैं जो ये ख्यालों में रहते हैं वो ब्रह्मांड के सबसे बड़ी अर्थशास्त्री है। ये लोग 2014 में कह रहे हैं और विजन क्या देखते हैं, 2044 यानी 2044 तक तीसरी अर्थव्यवस्था की बात। ये इनकी सोच, ये इनकी मर्यादा, सपना भी देखने का सामर्थ्य खो चुके थे लोग। संकल्प तो दूर की बात थी, 30 साल का इंतजार करने के लिए मेरे देश की युवा पीढ़ी को कहकर गए थे। लेकिन हम आज आपके सामने विश्वास से खड़े हैं, इस पवित्र सदन में खड़े हैं, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 30 साल हम नहीं लगने देंगे। ये मोदी की गारंटी है, मेरे तीसरे कार्यकाल में देश दुनिया की तीसरी आर्थिक शक्ति बन जाए। कैसे लक्ष्य रखते थे, उनकी सोच कहां तक जाती थी, गया आती है। और आप लोग 11 नंबर पे बड़ा गर्व कर रहे थे, 5 नंबर पहुंचा दिए जी। लेकिन अगर 11 पर पहुंचने से आपको खुशी होती थी तो 5 नंबर पहुंचने पर भी खुशी होती है, होनी चाहिए। देश 5 नंबर पर पहुंचा, आपको खुशी होनी चाहिए।